हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ओवरव्यू देखने वाले हैं। यानी आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। It means we have to know about the overviews of this chapter. So friends, as you know that I will write and I written already. You can see this one and I will explain all these things, whatever we have to study and how we will study everything I will tell you today. दोस्तों, देखना होगा आपको कि overviews chapter number 2 control and coordination, ये class 10 का biology है, जिसमें क्या समझना है आपको ये जानना है। भाई, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं कि ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों है, इसका क्या रीजन है, कौन कंट्रोल करेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, ये तमाम चीजों को हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे। यानी पहले लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं, इसके पूरे इंट्रोडक्शन के डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड थिंग्स वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन, आखिर कैसे कोऑर्डिनेट करता है। जैसे बॉडी हमारी है तो बॉडी में पूरा अंग अपना अपना काम कर रहा है, किडनी अलग है, ब्रेन अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, तो सारे अंग मिल करके दोस्तों क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो इसी तरह से हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से अंग मुख्यतः इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि प्लांट मूवमेंट क्या होता है। प्लांट के अंदर जो मूव हो गया, यानी प्लांट का कुछ पार्ट मूव कर जाता है, उस मूवमेंट में दो तरीके का, एक ट्रॉपिक वाला मूवमेंट होता है, एक मेस्टिक। जो स्टिमुलेट के डायरेक्शन में जाता है वो ट्रॉपिक होता है, जो उसके अगेंस्ट चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया। जियोट्रोपिज्म, आप देखेंगे जियो मतलब जो मिट्टी मिट्टी अर्थ की ओर आता है, हाइड्रो पानी की तरफ जो मूव करता है, कीमो केमिकल के प्रति जो एक्टिव होता है, सेंसिटिव होता है, और थिग्मो जिसे टच करने पर उसी डायरेक्शन में मुड़ गया, जिसे मिमोसा प्यूडिका छुई मुई टचमिनॉट वाले को देखेंगे। एंड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, कौन सा पॉजिटिव है, यानी स्टिमुलेट के ऊपर जा रहा है, कौन स्टिमुलेट के अगेंस्ट जा रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म के रूप में हम जानेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि दोस्तों केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, अर्थात प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन्स के रिलीज होने से तनिक भी अमाउंट में अगर रिलीज होता है प्लांट्स के केसेस में, तो किस तरह से प्लांट का पार्ट मूव कर जाता है। तो आज हम उसमें समझेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के बारे में, स्पेशली ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सोर्सिक एसिड, यही पांच काइंड्स के जो एंजाइम्स हार्मोन्स हैं, ये हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं साथियों, यानी केमिकल हार्मोन जो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो इज इक्वल टू द प्लांट, हार्मोन्स मीन्स केमिकल, यानी पौधे में पाए जाने वाला जो केमिकल है उसी को हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्लियर बात। फिर देखेंगे भैया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जानवरों में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो कैसे अपने दिमाग को संतुलित कर पाते हैं, कैसे उनके अंग काम करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है भैया, उसमें नर्वस सिस्टम है, उसमें आप देखेंगे सेंस ऑर्गन है, उसमें आप देखेंगे न्यूरॉन्स हैं और उसके टाइप्स, ये तमाम चीजें हम लोग देखने वाले हैं। किसमें होगा ये कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जब पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। समझ में आ गई बात यहां तक दोस्तों। फिर हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन, हम लोगों का जो खोपड़ी है जो 1400 ग्राम का लगभग है, उस 1350 से 1400 ग्राम के खोपड़ी में देखेंगे किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं। उसमें CNS का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है जिसमें ब्रेन वगैरह आता है, PNS समझेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये सब इसी में आ जाएगा, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा वगैरह सब, ANS ऑटोनोमस है ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा, ये तीनों हम लोग ब्रेन के अंतर्गत ऐसा पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई डाउट होगा तुरंत आप हमें बता सकते हैं। फिर देखेंगे हम दोस्तों समझेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्ग क्या है। जैसे तवा रखा, तवा गर्म तवा है, आपने छुआ, अचानक से हाथ हटा लिया, तो ये जो अचानक से वर्क आपने किया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, आपने किया हटाया, और जब हटाया आपने तो एक यहां से यहां तक एक इमेज बने, ग्राफ बन गया, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क और एक्शन हम लोगों को इसी चैप्टर में समझना है। फिर देखेंगे भैया क्या है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स अर्थात हार्मोन्स, हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इंडोर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें देखेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि इंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, सब बताऊंगा इसमें।
आपको देखिए लिखा है इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन निकलेगा इसमें, कुछ इसके फीडबैक है, फीडबैक एंड मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन्स। जैसे ज्यादा मात्रा में अगर निकल गया तो कोमा में चले जाते हैं लोग, कम निकल गया मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है। ऐसे तमाम चीजों को दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। अभी आप जान लीजिए कि यह जो चैप्टर है ये आपको बहुत ही इंटरेस्टेड है, मैं मानता हूँ इस चैप्टर से बेहतर इंटरेस्टेड कोई चैप्टर है नहीं। इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल व्यक्ति के जीवन की क्या गाथा है, वो सारी बात हम इसमें समझेंगे। क्लियर भाई? तो चलिए ये सारी बातें, यानी बार मैं फिर बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन समझ लेना है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट समझना है जिसमें स्टिमुलेट और रिसेप्टर की बात करेंगे, प्लांट मूवमेंट में देखेंगे जिनेस्टिक होगा कि ट्रॉपिक होगा, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, थर्मोट्रोपिज्म, और ऐसे करके आप देखेंगे किस तरह से ये पॉजिटिवली और निगेटिवली के हिसाब से होते हैं। देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन है अर्थात जिसमें हम हार्मोन्स की बात करेंगे, चाहे वो जिब्रेलिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, एब्सेसिक एसिड होगा, एथिलीन होगा, या कुछ भी हो जाए, ये सब चीज इसमें हमको आगे वगैरह पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में हम देखेंगे, एनिमल्स मतलब हम भी उसी मानते हैं, आप सब आते हैं, न्यूरॉन्स होगा, नर्व होगा, ये सब चीजें इसमें देखेंगे। ह्यूमन का ब्रेन पढ़ेंगे जो हम लोगों का ये है, जिसमें CNS है, PNS है, ANS है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वगैरह सब, ये सब इसी में आएंगे। रिफ्लेक्स, एक्शन और आर्क, ये सब चीजें अभी जो मैंने बताया गर्म तवा वाला, ये भी यहाँ पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स में देखेंगे, और इंडो एक्सोक्राइन हार्मोन्स क्या है, इसके फीडबैक क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या हार्मोन्स की, एवरीथिंग हम लोग समझेंगे साथियों। तो इतना हम लोगों का एक ओवरव्यूज है इस चैप्टर के बारे में, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो अब इसी को दोस्तों हम लोग पहले लेक्चर में शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन और कोऑर्डिनेशन, ये हम फर्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो ये आपका ओवरव्यूज है, इसको आप बढ़िया से पढ़िए, अपना नोट्स बना लीजिए, और चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पहले बढ़िया से नोट कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमको पढ़ना क्या क्या है ना। तो इसको अपना बनाइए, नोट्स बना लीजिए, और फिर हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे।